अहमदिया मुस्लिम जमात की तरफ से करवाया जा रहा 124वां अंतर्राष्ट्रीय सालाना जलसा कादियन में चल रहा है। इस जलसे के दूसरे दिन आज अहमदिया मुस्लिम जमात की तरफ से सर्वधर्म सम्मेलन करवाया गया, जिसमें खास तौर पर यहाँ हजारों की गिनती में अहमदिया मुस्लिम जमात के लोग देश विदेश से आए। वहीं आज के सम्मेलन में दूसरे धर्मों के हिंदू, सिख, क्रिश्चियन समुदाय के धार्मिक और राजनीतिक लोगों और संतों को बुलाया गया और उन सब ने आपसी भाईचारे का संदेश पूरी दुनिया में फैलाने की बात कही। अभी यहाँ पे जो आया, जो मैंने सोचा उससे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये। इस जमात के लिए जैसे ये लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नॉट, जैसे मोहब्बत सबसे नफरत किसी से नहीं, ये जो स्लोगन के साथ जैसे हम लोग हमारा यहाँ शुरू हुआ है उससे भी बहुत ज़्यादा हम लोग ने यहाँ पाया। मैसेज ये है कि जैसे भी जो जो मुस्लिम है, जो जिस मुस्लिम के अंदर जो धारणा थी संसार में दुनिया में, उससे हटकर मुस्लिम लोग बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। जिसने जैसे हमारे वहाँ पर 2012 में जो जलजला आया था, भूकंप आई थी, उसमें इस संघ ने नेपाल को बहुत ही सहायता किया था, बहुत ही उन्होंने मदद की थी और बहुत जगह जगह पर उन्होंने राशन जो खाने को नहीं मिला था वहाँ पर उन्होंने बहुत मदद किया था। इसके लिए हम हृदय से उसको नमस्कार करना चाहते हैं। इंशाल्लाह ऐसा मुस्लिम सबको दे, इस जो संघ है उसको बरकरार रखें। जितने ऐसी सारे खास करके पंजाब गवर्नमेंट वालों कैप्टन साहब ने जो ड्यूटी लाई सी कि अहमदिया जमात में जाके मुबारकबाद देनी है, और वाकई जिमें जाखड़ साहब ने कहा कि नफरत जी अच्कल है जी धर्मों के खत्म करने लिए एक बड़ा वाला पैगाम है, और सानू सारे ये चीज़ों तो पिछे हट के तो और हिंदुस्तान यहोजी एक कंट्री है जिते हर धर्म का बराबर का सत्कार आ प्यार आदि लिए असी सारे इकट्ठे और असी अहमदिया जमात में इतने मुबारकबाद देने सारे पहुंचे। कादियां दे इस मुकद्दस जगह के उत्ते अहमदिया जमात का जड़ा सालाना जलसा होंदा है, उहदे विच जिहड़े अज सारी इत्थे सारे साथी आए है दूर दराड़े इलाके तो, उन्हां सारिआं दा बतौर इस इलाके दे लोकां ने जो सेवा बख्शी है नुमाइंदगी दी, उन्हां दे नुमाइंदे दे तौर पर उन्हां दा इत्थे बहुत खैर मकदम करदे आ, स्वागत करदे आ। ते मैं समझदा भी अज दे माहौल दे अंदर जिस किस्म दी नफरत दी अग देश दे अंदर ते समाज दे अंदर धर्म जात पात के नाँ पर लाई जा रही है, उस मौके दे उत्ते इह जे इजलास दा इह जे समागम दा जिहड़ा संदेश है लव फॉर ऑल हेटरिड फॉर नन, उस समाज दे जिहड़ा एक विश्वास है उहनूं लै के घर घर जाण दी जरूरत है, ताकि साडे जिहड़े समाज दा ताना बाना आपसी भाईचारे दा उह कायम रहे। उहदे वास्ते मैं सारे अहमदिया जमात दा शुक्रिया अदा करदा कि उहनां ने आह जिहड़ा एक अलख जगा रखी है, उन्हों का आ स्नेहा सारे तक पहुँचे, ये लैके अज मैं फिर इतने इस इजलास के शामिल होने का मौका मिले। मेरा मानना है भी बड़ा अच्छा एक माहौल बन रहा है जिहड़ा श्री करतारपुर साहब के लांघे को लैके जो गुरु महाराज की कृपा हुई है दोनों सरकारां दे उत्ते, पाकिस्तान की सरकार के हुक्मरानां दे उत्ते ते साडे इत्थे जिहड़े हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह लांघा खोलण की गल चल रही है, इहदे बाद सुखावां माहौल बने। आ लांघा सिर्फ डेरा बाबा नानक तो श्री करतारपुर साहब तक ही ना सीमित रह जाए, साडे देश दे विच दोनों मुल्कां दे विच चंगे हालात बन, उहदे बाद मैं समझदा जथियां दी उधरों इधर आने की भी तादाद वधूगी, तो इत्थे भी जिहड़े श्रद्धालु उत्थे जा सकन, ते नाल नाल जिथे श्रद्धालु दोनों आ सकनगे उत्थे मैं समझदा भी दोनों मुल्कां दा आपस च तजारत जिहड़ी है ट्रेड है जो आपस च उहदा भी वधावा, ताकि दोनों मुल्कां दे अंदरों जिहड़ी गुरबत गरीबी है दूर की जा सके। साडी कोशिश तो देखो हर समय रही है, पर आ मौका नहीं क्योंकि सरकारां जोलियां ते ज़्यादा विवाद करदी है, बिना पैसे दे प्रोविजन उन्होंने की नहीं उस गल नूं लैके, पर साडा प्रयास है भी जो मैक्सीमम हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जिहड़ी नवीं लाइन बनाने का जिहड़ी सरकार ने ब्लैंकेट बैन ही जिस किस्म नाल ला रखे है उन्होंने लगता नहीं भी आ हुण 6 महीने सानू इंतजार ही करना पेगा, आने वाली जिहड़ी कोई सरकार बनूगी उहदे विच फिर दोबारा देख के कोशिश।